तो गट्टू के लिए आर्क है दिल्ली से इनाम चाहिए, पकड़ पहले गाना लगा। तो अभी हमें मिल गए हैं अरबी के पत्ते, आप इसके बनाएंगे भाई पकौड़ी। बोलू हे बुरास बोलू, बोल तू ही बोल, अब तुए को क्या बोलू। जो आगे का काम है वो भी शुरू हो गया है, इन पर ना पत्तियों पर बेसन लगाने पर ऐसे करके। दोस्तों पहले ना आग जलाते हैं। दोस्तों अभी गट्टू भी आ गया है, शाम के अभी 5 बज रहे हैं। हेलो गट्टू, कैसी रही यात्रा, कावड़ यात्रा? बढ़िया बढ़िया, मंगलमय। नमस्ते नमस्कार, तो बोल दे हमारे ऑडियंस। बंद कर क्लिक कर, बंद अरे बंद कर यार। हाँ अच्छा बंद कर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक चीज़ ढूंढने के लिए, हम जा रहे हैं अरबी के पत्ते ढूंढने। तो इस साइड तो है नहीं, हमें जाना है ऊपर पड़ोस में है एक घर पे, वहीं पे जा रहे हैं। चलो जी, ताई ने भी निकाल दिए झेड़े, अभी मैंने भी निकालने थे यार झेड़े। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अरबी के पत्ते ढूंढने जा रहे हैं, साथ अभी गट्टू शेरू और शक्तिमान। मान आज चल चल चलो, अभी ताई है वो ग्वाल आ रही, बड़ी ताई की गाय है। और हम जा रहे हैं ऊपर पड़ोस वाले घर पे, सामने एक घर है ना, तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हमें मिल जाएगा। और साथ में शक्तिमान भी आर्क है। तो गट्टू तो आ गया है भाई कांवड़ यात्रा से, और जो उसके लिए इनाम आर्क है ना वो भी देंगे अभी घर पे जाके। 500 रुपये भेज रखे हैं किसी ने, तो एक दीदी को तो मैंने दे दिया, लेकिन गट्टू के लिए भी आ रखे थे, गट्टू को आप देंगे। शाम का मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो रखा है, सनसेट का मौसम है लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है, बादल लगे हुए हैं आसमान में। और इस साइड देखो भाई हरियाली, और ऊपर साइड देखो पानी कितना बढ़ गया है आजकल के दिनों में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक और शानदार ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है हमारा शाम के वक्त शुरू हो रहा है, और आज हम पहली बार एक नई चीज ट्राई करने वाले हैं घर पे, जो अरबी के पत्ते होते हैं उसके पकौड़े बनाएंगे। नमस्कार नमस्कार, क्या लेके आ रहे हैं? आलू कितनी किलो? 30 किलो। 30 किलो है, चलो बढ़िया है। और इधर बांझ वाले भी आ गए, नमस्ते नमस्कार। चलो चलो, बांझ तुम जा नहीं लगी। हाँ तो ये आलू लेने जा रहे थे, लेकिन बसंत भाई तो नीचे हैं। हाँ नमस्ते। तो भाभी जी कह रहे कि फोन कर रहे थे आलू लेने के लिए, बसंत भाई तो नीचे घूम रहे हैं आजकल। अच्छा अब आज लेना दगड़े। हेलो बसंत भाई, क्या हाल चाल है? राम राम जी, आप लोग ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, किधर से घूम रहे हैं आज? बस इधर तक गए थे, जगतपुरी था। अच्छा आए भी जगतपुरी गए थे? हाँ, ये सब ये जी जगतपुरी, ये भी जगतपुरी। अच्छा इधर जा रहे हैं हम पड़ोस में। तो बसंत भाई अभी जगतपुरी से आ रहे हैं पैदल पैदल, यहाँ से होते हुए जाएगा ऊपर पीठ से, कोहरा लगा हुआ है। बढ़िया, ये रुक जाओ यार नीचे है, अरे रुक जाओ, कल चले जाना मॉर्निंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस साइड देखो सीढ़ीदार खेत ना, काफी खूबसूरत लग रहे हैं ना, वाह यार। चलिए दोस्तों अभी हम आ गए पड़ोस वाले घर में ऊपर साइड को, रजबटा साइड को, और यहाँ से लेंगे आज अरबी के पत्ते ढूंढ के। ये देखिए भाई, अभी हमें लेने ये वाले, इनको लेने आ रखे हम यहाँ पर। तो दोस्तों ये हैं अरबी के पत्ते, और इनको लेने आ रखे हम, आज इनके ना टेस्टी वाले पकौड़ियाँ बनाई जाएगी, और देखते भाई कैसे बनती है, अभी ले जाएंगे। अभी हम आ रखे हैं इनके घर पे, ये देखो भाई कितना बड़ा घर है ना, मस्त। वो जी नमस्कार, ये देखो गट्टू क्या ले रहे हैं, आरू आरू लेके। हेलो सानिया, हेलो सानिया, ये सरमारी, हाय हेलो कर, हेलो नमस्ते, कौन करेगा? जय जय करो जय। ये सानिया सरमारी है, देखो सानिया। ओ नमस्कार, अबू नमस्कार, और बढ़िया दादा ले का थोड़ी दौड़। हाँ पापड़ डोंग, तब काटेगी, चलो काटो तो जी, हमें हमारे लिए काट दो।
तो अभी हम आ रखे जो अरबी के पत्ते हैं उनको लेने, और अभी जो हमारी बुबू यानी दादी है वो हमारे लिए काट देगी दरांती से, क्योंकि हाथ से नहीं टूटते ये। ये देखो छाता लेके, छाता सिल्वर ऐसे, हाँ ये छाता ये छाता है, छाता पहले जमाने में ना इसका छाता बनाया करते थे, और मैंने सुना है इसका छाता बनाते थे पहले जमाने में। हाँ जी बस ये बस भाई हो जाए वो बहुत सी। हाँ ठीक बोलते बस भाई बिरयानी है ना। तो अभी हमें मिल गए अरबी के पत्ते, अब इसके बनाएंगे भाई पकौड़ियाँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। और मुझे तो नहीं आता लेकिन दीदी को आते हैं, दीदी बनाएगी। ये देखो भाई गुट्टू कहाँ जा रखा आड़ू लेने, ये देखिए ये सब लेके आ गया। आराम से आराम से आराम से आराम से कैसे हो रहे बढ़िया। ये भाई पहाड़ी आड़ू, ये देखिए भाई क्या मस्त लग रहा है ना, अब खा के देखेंगे मीठे हो रहे नहीं हो रहे। और ये आड़ू का पेड़ है भाई, देखो कितना बड़ा है ना, मीठे हो रहे हैं टेस्टी। ये ऐसे होते हैं, अभी पके नहीं हैं पूरी तरह से, और भी मीठे होंगे। कच्चे वाले ही ठीक होते हैं, ज़्यादा पके वाले ना बेकार ही होते हैं, जो हाथ पके होते हैं वो बढ़िया। तो आज ये है आड़ू। क्या ये आड़ू? हमें पता नहीं है आड़ू है। तेरे नहीं पता जब मैं सब कुछ लिए ना। ये देखो तो वो अभी हमें ये वाली सब्जी भी दे रही है, जो ये हरी हरी सब्जी है, कद्दू की बेल है, और इनके काट के ना इनकी जो भुजी बनती है ना वो काफी टेस्टी होती है। अब इनकी सब्जी बनेगी रात को टेस्टी वाली, ये देखो भुजी बढ़िया है ना। शक्तिमान तो भाई बिल्कुल पत्तियों के बराबर लग रहा है, ये दिखाई भी नहीं दे रहा पत्तियों में। ओए रुक जा शक्तिमान को देखो भाई कितने सारे पत्तियां आ गई है। तो अभी हम आ गए हैं घर पे, अब बनाएंगे भाई इनके पकौड़ियाँ, कैसे बनते हैं आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। तेल तेल तेल। तो अभी हम घर पे आ गए हैं, अब देखते हैं भाई कैसे कैसे बनती हैं पकौड़ियाँ। देखो भाई बोलते हैं हाँ, ये टीरे में बनता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए भाई रुद्रप्रयाग साइड भी क्या, अब इसको ना काटा जाएगा, अब कैसे काटते हैं। तो भाई दोस्तों अभी हम घर पे आ गए हैं इनको लेके, और इनको क्या बोलते हैं अरबी, हमारे यहाँ पापड़ बोलते हैं ना पापड़ में। अब इसका हम बनाएंगे कत्यूड़, कत्यूड़ तो कत्यूड़ बनाने वाले हैं, कत्यूड़ बोलते हैं वैसे। टीरी और रुद्रप्रयाग साइड ज़्यादा बनता है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। अब देखो भाई हाँ, अब देखो भाई पहले यहाँ पे इनको ना अलग, इनको ना ऐसे काटना है नीचे से। ये देखो ये जो ये है इसको अलग कर दिया, अब इसकी भी सब्जी बनती है, वो तो बाद में ताई बनाएगी कैसे बनती है आप बताएंगे, बाद में बताएंगे। उसके लिए हम लेके आ गए साथ में ये कद्दू के बेल, और इनको भी ऐसे काटना है, जो नीचे साइड है ना ये काटना है पूरा। तो अभी ना मैं घर पे आया था कुछ सामान लेने, और गट्टू को 500 रुपये भी देने हैं जो उसके लिए इनाम आ रखा है। तो अभी चलते हैं भाई गट्टू को भी देते हैं उसका इनाम, चलो भाई ऊपर चलते हैं ताई के घर पे। तो अभी दीदी ने ना पत्तियाँ काट दी हैं, अब इनको धोने हैं अच्छे से, तो जब तक ये धुलते हैं तब तक गट्टू को गट्टू का इनाम देते हैं। तो गट्टू के लिए आ रखा है दिल्ली से इनाम, दीदी को तो मैंने दे दिया था, आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी। तो गट्टू के लिए भी आ रखा था, गट्टू आज ही आया है अपनी यात्रा से, और उसके लिए भी आ रखे हैं ये, और इसलिए आ रखे हैं कि पढ़ाई भी करना, और साथ साथ में जो गाने लगा रखे हैं वो फिर से दोबारा लगाने हैं भाई गट्टू ने, एक दो गाने और लगाने हैं, बढ़िया बढ़िया गाने लगा दो तभी आपको ये मिलेगा। ये चाहिए तो गाने लगाने पड़ेंगे, और नहीं चाहिए तो हम रख लेंगे भाई तो पहले सर था गाना लगाने। तो अभी गट्टू गाना लगाने वाला है, लगा दो भाई लगा दो। हाँ हाँ बढ़िया सही, लगा दो पंजाबी नहीं गढ़वाली। ए जनी भगांदी ई जनी कछौंदा, ए जनी भगांदी ई जनी कछौंदा, रूड़ियों का घा मुना गए आंसुनी सुखदा, भागी आंसुनी सुखदा।
ए जनी भगया दी ये जनी कछोंदा एक दो गाने और एक दो गाने और ना ना एक दो गाने और आप लोग याद करने पहले चाहिए पकड़ पहले गाना लगा पहले गाना लगा पहले गाना लगा भाई पहले गाना लगा गाना फिर यार ठंडोरे ठंडो मेरा पाले की हवा ठंडी पानी ठंडो ओ हो जब एक प्रेमी अपने प्रेमी से मिलता है तो पहाड़ों में ये वाला गाना लगाता है वो सब मैं बोलूंगा ठीक है धरुमा की तोनी डाली छे लुकत ना जी का बना बोलिया बण्यू वीथ बतना जी का बना बोलिया बण्यू जका बना बोलिया बण्यू फूल फ्योली बोलू ये बुरास बोलू फूल प्योली बोलू हे बुरास बोलू बोल तुई बोल अब तुए को क्या बोलू क्या ची बोलू फूल सभी स्वर्ण छन हे भगवानम खिल्या रोमी गंग तोल माँ तुए जन कोहलू 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 खत्म हो गए हो हाँ तो चलो भाई अब गट्टू को गट्टू को गट्टू का इनाम देते हैं ये लो बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद धन्यवाद उनका भी जिनने आपको ये इनाम दिया किसने दिया नाम तो बता दो उनका नाम है श्रीमती करुणा देवी और श्री प्रवीण सिंह जो कि हमारे वीडियो देखते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद अंकल आंटी को मेरी तरफ से अंकल आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद गट्टू को भाई उसका इनाम भी दे दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका इतना प्यार और आशीर्वाद मिला ऐसे बना के रखना तो दोस्तों अभी ना पत्तियां भी धो दी हैं और आगे का जो प्रोसेस है ये देखो इसको थोड़ा सा इनको बिल्कुल जो इनकी जो नसें हैं ना इनको ऐसे बेलन से क्या करना है बारीक यानी बिल्कुल प्लेन कर देना है ताकि ये बाद में ईजी हो जाए और बाद में ईजी का मतलब क्या अभी आपको बताएंगे हम आपको तो ऐसे इन पर पूरा बेलन लगा देना है पत्तियों के ऊपर से तो ये जब आप बेलन लगाओगे तो आवाज़ भी करेगी जैसे कर्च कर्च वाली आवाज़ तो ये सिंपल हो जाते हैं तो चलो भाई फटाफट पत्तियों का भी चलो हो गया इनका काम अब दोस्तों अभी ना आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं पहले ना मुझे आग जलानी है इसमें तो फटाफट आग जलाते हैं चलिए भाई दोस्तों पहले ना आग जलाते हैं उसके बाद आगे की पकौड़ियाँ बनेंगी तो दोस्तों अभी ना अब जो आगे का काम है वो भी शुरू हो गया है इन पर ना पत्तियों पर बेसन लगाने पर ऐसे करके ये देखो भाई ऐसे करके लगाना है इसके दोनों ओर लगाने ना एक साइड है हाँ इस साइड लगाना है देखो भाई साइड देखो वाइट वाले साइड लगाना है ग्रीन वाले साइड नहीं लगाना ये देखिए मसाला लगाना है सभी पत्तियों पर लगाना है अभी ऐसा करके रोल करना है और हल्का हल्का बेसन लगाते जाना आप तो ऐसा करके रोल करना है हल्के हल्के से चारों ओर से इस साइड से भी कर दिया है उस साइड से भी और जो आगे का हिस्सा है इसको भी आप रोल कर देना हल्के हल्के करके ऐसे रोल करना है ये देखिए भाई हमने रोल कर दिया है तो अभी पूरी गड़बड़ हो गई है हमने जो चूल्हा लगा रखा था ना बाहर पे तो यहाँ पर अभी हमने स्टीम के लिए रखना था लेकिन बारिश आ गई है बहुत तेज वाली बारिश यहाँ डांट पड़ने वाली है अब क्योंकि ना पूरा तेल गिर गया नीचे
और बारिश भी लग गई है बहुत तेज। अब हमको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। ये देखिए भाई दोस्तों, अभी ना हमने स्टीम करने के लिए रखना था लेकिन बहुत तेज बारिश आ गई है। अब जो चूल्हा है उसको उठा के अंदर ले जाते हैं, वो ऊपर साइड से तो बहुत तेज बारिश। ये देखिए भाई दोस्तों, स्टीम करने के लिए रखे हुए हैं अभी, और इसके नीचे पानी रखा हुआ है और ऊपर से हमने ना ये देखो छाइनी के ऊपर पता नहीं कैसे पकेगा, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। और अभी ताई की एडवाइस सुनते हैं। ताई की एडवाइस सुनने, ताई बोल रही थी, ताई बोले हम नहीं बना पाएंगे बारिश को, अब टेस्ट करना बाद में। मोमोज बन गए रेडी, मोमोज बन गए, मोमोज नहीं है वो। ये देखिए भाई स्प्रिंग रोल ये हो गया ना, गीला हो गया बेसन गद्यूल। आज फर्स्ट टाइम ट्राई था, देखते हैं भाई, कोई बात नहीं, गीला हो गया थोड़ा, उसमें पानी ज्यादा चले गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से बनाएंगे। आज ताई घर पे नहीं था उस टाइम पे, नहीं तो सही बन जाता था। अब बारिश भी आ गई, बेसन भी गीला हो गया, तो थोड़ा कोई नहीं, ट्राई करने से ही ना क्या होता है, ट्राई करने से क्या होता है, सीखने को मिलता है। तो आज इतना तो पता लग गया हमें। और आज की सब्जी की तैयारी भी हो गई है, तो आज का डिनर तो इधर ही है। और क्या है देखो, हम लेके आए थे कद्दू के बेल के टुकड़े, और जो हमने अभी बनाए थे अरबी के पत्ते, उसके जो हिस्से है ना नीचे के, ताई उनको देखो कैसे तोड़ रही है। तो अभी इसको थोड़ी देर तक बॉयल किया जाएगा, उसके बाद इसकी सब्जी बनेगी जैसे ही बॉयल हो जाएगा। टेम्परेरी चीज है दोस्तों सब, कोई बात नहीं, टेम्परेरी चलेगा, सब चलेगा। तो इनको ना ऐसे काटना है बारीक करके, और फिर इनको फ्राई करना है जैसे पकौड़ियों का। पहले बना रखा है मैंने अभी, थोड़ा बेसन अभी कच्चा ही था, इसमें कच्चा नहीं, ये पतला हो गया थोड़ा सा, चलो भाई जब तक करते हैं, और उसके बाद आपको बताया जब फ्राई होंगे। ऐसे काट लें इनको पहले फटाफट, ये देखिए भाई ऐसे पीस। तो अभी मैंने ना आटा भी लगा दिया है, ये देखिए जो पत्ते के नीचे का हिस्सा है ना उसी की सब्जी है, और अच्छे से बॉयल भी कर दी है, तो पक चुके हैं। अब इनकी सब्जी बनाई जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ पर ना हंस हंस के पागल कर दिया है अभी, हंस हंस के। ताई क्या बोल रही थी अभी देखो, हाँ क्या बोला ताई ने, बहुत ज्यादा हंसी है। मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाया यार, आजकल ताई क्या बोले कि हम लकड़ियों में बना रहे हैं और गैस में बनाएंगे तो क्या होगा कि बोलते ना कि मवा से घाम लग गई। अरे यार क्या ही बोले अब। अब देखो भाई दोस्तों, जो हमने पत्ते और बना रखे ना, अब उनकी पकौड़ियाँ बनके रेडी होने वाली है। ये देखिए भाई पकौड़ियाँ बनके रेडी हो गई है, मस्त करके फ्राई भी हो गई है। अब जब इसको खाएंगे ना तब पता चलेगा। सबसे पहले ना जब हम कुछ नई चीज़ बनाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने पितरों के लिए रखते हैं चूल्हे में, और यह है पितरों के लिए। ये देखिए भाई, तो हमारे यहाँ ना ऊपर चूल्हे में रखते हैं, इसको खान बोलते हैं। जो भी पूजा होती है तो सबसे पहले अपने पहाड़ों में जब भी घर में पितरों को पूजा जाता है तो उसी में रखा जाता है, और जब भी नई डिश बनती है घर पे तो सबसे पहले पितरों के लिए रखा जाता है, तभी रख दिए। पकौड़ियाँ टेस्ट करते हैं, ये देखो भाई मस्त फ्राई हो चुकी है। चलिए भाई दोस्तों टेस्ट करते हैं। हाँ भाई गट्टू, गट्टू कितना रेट देगा, 10 में से 9 10 में से 4 हैं, तो बना फिर तक दिखा दे। हमारी तरफ से 10 में से 10 क्रेडिट है, बिल्कुल चलेगा। चलिए दोस्तों अभी डिनर करते हैं, और सब्जी देखो भाई क्या टेस्टी सब्जी बनी हुई है, मस्त ना। तो ताई तो रोटी में खा रही है, देखो चलो भाई अभी रोटी खाते हैं। और मीनू की देखो मंडुआ की रोटी बनी हुई है, टेस्टी है, देखो भाई क्या मस्त रोटी बना रखी है। तो अभी हम रोटी में और सब्जी, इधर भाई साहब को देखो भाई, भंडार जी छोटे भंडारी जी है वो, है हम क्या है भंडारी, तो शुरू क्या है छोटा भंडारी है ना, हाँ शुरू हेलो ले देखिए। मीनू पीछे से क्या बोल रही है, सुना आपने क्या बोला मीनू ने पीछे से,
इग्नोर अभी खाते हैं यार। दोस्तों अभी मैं डिनर करके अपने घर पे आ गया हूँ। तो आज के डिनर तो ताई लोग के घर पे ही हुआ था। तो आप लोग जरूर बताना आपको वीडियो किस समय देखनी है, यानी सुबह देखनी है या शाम को ही सही रहेगा। आप लोगों का जो भी कमेंट रहेगा और जैसे भी रिस्पॉन्स मिलेगा वीडियो को, मैं उस हिसाब से वीडियो को मैनेज कर लूंगा, यदि सुबह या शाम को। ये वीडियो मैंने सुबह इसलिए डाली थी चेक करने के लिए कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों का। तो चलिए भाई मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।